हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानू चावड़ा। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है सनस्ट्रोक। सनस्ट्रोक क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स आते हैं और फिर जो पेशेंट है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं सनस्ट्रोक हो जाने के बाद में, और इसका क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सनस्ट्रोक क्या होता है? सनस्ट्रोक जो होता है उसे हम हीट स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। अब उसे हीट स्ट्रोक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हीट स्ट्रोक जो है मतलब बॉडी में हीट का बढ़ जाना। और सबसे ज्यादा जो ये सनस्ट्रोक है ये समर वेदर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय जो एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो सनस्ट्रोक है वो समर वेदर के जो मंथ्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा देखने को हमें मिलता है। फिर उसके बाद में हम देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। सनस्ट्रोक होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सनस्ट्रोक जो है, पर्सन जो है बहुत ज्यादा हॉट एनवायरनमेंट में है या फिर बहुत ज्यादा ओवर एक्टिविटीज कर रहा है या फिर उसने बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है और ओवर क्लॉथिंग कर रखी है, बहुत सारे कपड़े उसने पहन रखे हैं। पर्सन जो है समर टाइम पे बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहा है या फिर वो अच्छे से पानी नहीं पी रहा है, डिहाइड्रेट हो गई उसकी पूरी बॉडी, तो इन सारी कंडीशनों में हमें सनस्ट्रोक देखने को मिलता है। सनस्ट्रोक के सिम्टम्स की बात करेंगे कि अगर किसी को सनस्ट्रोक हो जाता है तो उसे क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। सबसे पहले तो उसकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, 104 फेराडे के समथिंग उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। उसके बाद में उसमें अल्टरनेशन स्वेटिंग देखने को हमें मिलेगी। उसकी जो मेंटल स्टेट है वो भी इसमें इफेक्ट होगी, क्योंकि मेंटल स्टेट इसलिए इफेक्ट हो रही है कि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ब्रेन हो गया, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो इसीलिए मेंटल से भी रिलेटेड इसमें सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि पेशेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, एजिटेशन हो सकते हैं या फिर उसे बोलने में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। इवन यहाँ तक कि कभी ट्रीटमेंट अगर सही से उसे नहीं मिलता है तो पेशेंट कोमा तक में जा सकता है। उसके बाद में पेशेंट का को बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाएगा वो तो, और फिर उसके बाद में इसमें हमें रेस्पिरेटरी रेट भी बहुत ज़्यादा दिखेगी, उसकी बढ़ी हुई दिखेगी और हार्ट रेट भी उसकी बढ़ जाएगी। उसको बहुत खतरनाक हेडेक होता है, हेडेक में उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके सिर में ऐसे हथौड़े टाइप का मार रहा हो या थ्रॉम्बिंग टाइप का पेन उसको हो जाता है। और पेशेंट को अपने फेस पे या किसी भी स्किन पे ऐसा लगता है कि जैसे हॉट गरम गरम कुछ फ्लैशेस निकल रहे हैं, पेशेंट की स्किन थोड़ी सी रेडिश देखने को हमें मिल सकती है, हॉट फ्लैशेस दिखेगी। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो सनस्ट्रोक के बाद में जो कॉम्प्लिकेशन है वो इस पे डिपेंड करते हैं कि कितने लंबे टाइम से उसे सनस्ट्रोक हो चुका है और उसका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर वो उसका सही से ट्रीटमेंट हो भी रहा है कि नहीं। मतलब कि सबसे पहले तो अगर हम बहुत लंबे टाइम से किसी को सनस्ट्रोक चल रहा है, बहुत हाई फीवर चल रहा है, तो पेशेंट के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं या फिर ये अपने जो वाइटल ऑर्गन्स जैसे ब्रेन वगैरह हो गया, इसमें स्वेलिंग हो जाती है और वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो फेल हो सकते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं पेशेंट के, इवन पेशेंट को कोमा तक देखने को हमें मिलता है। और अगर उसे सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पेशेंट की इस पे डेथ भी हो जाती है। हमें सनस्ट्रोक से बचने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं? हमें बहुत सारा लॉट्स ऑफ वाटर पीना है, सबसे पहले बहुत ज्यादा पानी पीना है, हमें अपने आप को बिल्कुल हाइड्रेटेड रखना है हमेशा। उसके बाद में जब हम सन एक्सपोजर में जाना है हमें, तो हम 11 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक हम अवॉइड करें कि हम सन में नहीं जाएं। उसके बाद में हम लाइट कलर के और लूज क्लोथ्स वियर करें ताकि हमें ज़्यादा हमारी बॉडी में का टेम्परेचर ना बढ़े। उसके बाद में हमें अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है समर सीजन में, और प्रॉपर रेस्ट लेनी है। उसके बाद में ओवर एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो लिमिट में एक्सरसाइज करें, ओवर एक्सरसाइज नहीं करें समर सीजन में। सो आप ये सारे जो प्रिवेंशन है ये कर सकते हैं और अपने आप को सनस्ट्रोक से बचा सकते हैं।
सन स्ट्रोक के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो होम्योपैथी में हम सबसे पहले ग्लोनिन होम्योपैथी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ग्लोनिन हम उस केस में करेंगे जब पर्सन को बहुत ही डेंजर टाइप का सन स्ट्रोक हो चुका है, मतलब पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया है, बहुत ज्यादा हाई फीवर हो गया है, रेस्पिरेटरी जो उसकी रेट है वो भी हाई हो चुकी है, उसकी जो आई जो है वो फिक्स्ड हो चुकी है, तो इस कंडीशन में हम ग्लोनिन होम्योपैथी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ग्लोनिन को हम 200 पोटेंसी में इसका यूज करेंगे, एक दिन में हम इसे 3 बार यूज करेंगे इसके 2-2 ड्रॉप्स को, तो आपके इसको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सेकेंड में हम जैल्सीमियम होम्योपैथी मेडिसिन का भी यूज एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं कि अगर आप धूप में जा रहे हैं बाहर और आपको सन स्ट्रोक होने की टेंडेंसीज है, आप हीट से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाती है आपकी बॉडी, सो आप जैल्सीमियम होम्योपैथी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसका यूज आपको एक दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम को आप कर सकते हैं इसके 2-2 ड्रॉप्स और 200 पोटेंसी में आपको इसका यूज करना होगा। थर्ड में हम नाइट्रिम कार्ब होम्योपैथी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम क्रोनिक बहुत लंबा टाइम से आपको सन स्ट्रोक चल रहा है तब हम इसका यूज करेंगे 200 पोटेंसी में, एक दिन में 3 बार करेंगे, 2-2 ड्रॉप्स हमें 3 बार इसकी लेनी होगी। और सबसे लास्ट में हम इस नाइट्रोम्यूर होम्योपैथी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। नाइट्रोम्यूर जो होम्योपैथी मेडिसिन है ये बहुत ही यूजफुल है सन स्ट्रोक के केस में, तो इसे हम हर 15 मिनट में रिपीट करेंगे, हर 15-15 मिनट में हमें इसके 2-2 ड्रॉप्स पेशेंट को हम देते हैं, तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आज हमने सन स्ट्रोक के बारे में देखा। सन स्ट्रोक सबसे ज्यादा तो हमें समर में देखने को मिलता है, अभी समर सीजन चल रहा है, सो अपना ध्यान रखें और अच्छे से रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो और आपकी आपकी हेल्प पे ये थोड़ा भी पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।